السلام علیکم. ये पीडीपी से तो तकरीबन 90% लोग जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं हमें. एनसी से भी जगह जगह हलकों से, यानी कई हलके, अब कुंडी बरजाला में कल था तो पूरे के पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने ज्वाइन कर लिया. इसी तरह लच्छीपोरा में, लच्छीपोरा बी में सबके सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो थे, हल्का प्रेसिडेंट से लेके एक आम कारकुन तक, उन सब ने ज्वाइन किया. एक वेव सी चली है, एक हवा है उड़ी में कि उड़ी की रहनुमाई कौन कर सकता है. लोगों को मेरे 12 साल याद हैं, तरक्की याद है, और जो यहाँ एक बिगड़ी हुई उड़ी, एक उजड़ी हुई उड़ी को फिर बनाया 2005 में, आज जो उड़ी देख रहे हैं ये उड़ी 2003 में नहीं थी. आज की उड़ी में और उस उड़ी में काफ़ी फर्क है. देखिए, कोई काम नहीं हुआ, कहीं भी कोई काम नहीं है. इतने लोग हैं, इनसे ये पूछ लीजिए कि क्या पिछले 4 साल में कोई काम हुआ उड़ी में? कोई काम नहीं हुआ, चलते हुए काम रुक गए. जितनी स्कीमें चल रही थी वो रुक गई. एंटी इनकम्बेंसी तो तब कहते हैं जब इनकम्बेंट हो. यहां तो इनकम्बेंट है ही नहीं. यहां तो हमारे एमएलए साहब बनबास पे चले गए और उनके फर्जन यहाँ इंचार्ज रहे. वो क्या करते रहे उनकी कोई मानता नहीं था. वो ज़ोर ज़बरदस्ती दिखाने पे आ गए, अफसरों के साथ लड़ाइयाँ. जब ये रुझान रहे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी कभी फल फूल नहीं सकती. अफसरों के ताउन के बगैर आप काम नहीं कर सकते, और अफसरों को डरा के भी. हालांकि डराने की कोई वजह नहीं थी, उनकी कोई पोजीशन थी ही नहीं. अभी तक मैंने एक चीज़, एक जुमला जो यहाँ उड़ी में चला, रिप्रेजेंटेटिव का रिप्रेजेंटेटिव, कभी भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसी भी एमएलए ने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी मुकर्रर नहीं किया. एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो सिर्फ एमएलए ही एंजॉय कर सकता है, उसका कोई मुख्तियार नहीं. किसी को मुख्तियारनामा देने से आप उड़ी की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं चला सकते. और वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ एमएलए ने मुख्तियारनामा बनाम अपने फर्जंद दिया, तो क्या हाल होगा? इसको कहते हैं कार नजार बदस्ते गिलकार. तो वो चीज़ कभी सीधी नहीं होगी, और वही हो गया. उड़ी टेढ़ी हो गई, दीवारें टेढ़ी हो गई, क्योंकि नजार ने गिलकार का काम किया, तो इसलिए उड़ी सीधी नहीं रही. चलिए, बहुत